हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको इक्वल टू वन करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड जो था है इक्वल टू वन करना है। कैसे करेंगे तो देखो, यहाँ लिखा x का पावर a प्लस बी का फिर पावर में टू दिया है, तो क्या हम इस टू से a और b दोनों साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ऑफकोर्स। तो आपका हो जाएगा कितना, इस टू से a से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, टू ए हो जाएगा, प्लस फिर b से 2b हो गया इंटू एक्स के पावर्स होता है, और फिर अगेन इस 2 से इस b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 2b हो गया, प्लस फिर अगेन होता है इस 2 से c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2c हो गया। ठीक है, अगेन होता है इस c से 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2c हो गया, प्लस a से 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2a बाई, अब जो होता है a का 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, 4a इंटू b के साथ एक्स 4b इंटू एक्स 4c। ठीक है, 4c हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, तो यहां क्या करते हैं हम लोग, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे देखो क्या चीज लिखा हुआ है। अगर एक फॉर्मूला जान जाओ कि अगर a का पावर m हो इंटू a का पावर n हो, तो अगर क्या हो, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, a का पावर m प्लस n। तो क्या अगर ये फॉर्म होगा तो इस फॉर्म को क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाले फॉर्म को, अगर a का पावर m प्लस n हो तो क्या उस चीज को a के पावर m इंटू a के पावर n लिख सकते हैं? ऑफकोर्स, दोनों के किसी भी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, यहां दोनों एक दूसरे क्या है, इक्वल है। तो देखो यहां लिखा हुआ x, लिखा हुआ x के पावर 2a प्लस 2b, मान लेते हैं हमारा m है और a n है, तो x के पावर m प्लस n के फॉर्म में दिया है, तो x के पावर m इंटू x के पावर n कर सकते हैं ना, तो वही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो x के पावर 2a इंटू x के पावर 2b, ठीक है, इंटू x के पावर 2b, 2b ये अब इसके साथ आ रहा है, फिर x के पावर 2c, x के पावर 2c इंटू x के पावर 2c इंटू x के पावर 2a, ठीक है, बाय x के पावर 4a इंटू x के पावर 4b इंटू x के पावर 4c। आप चाहे तो यहां से भी डायरेक्ट कट कर सकते, क्योंकि x के पावर 2a प्लस 2a, 4a हो जाएगा, तो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं समझ रहे कि स्टेप और बढ़ जाते हैं ताकि आपको अच्छा से फील हो। ठीक है, तो देखो अब हमारा इसको क्या करते हैं, जो वाले एक सेम टर्म है उसको एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक स्टेप बढ़ जाएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो x के पावर 2a इंटू x के पावर 2a यहां पे है, तो इसको एक साथ करते हैं x के पावर 2a, ओके, देन x के पावर 2b, x के पावर 2b इंटू x के पावर 2b, ठीक है, x के पावर 2b, x के पावर 2c इंटू x के पावर 2c बाई x के पावर 4a इंटू x के पावर 4a इंटू 4b, नो है जी 4b है, x के पावर 4c। ठीक है, तो देखो अब हमारा दिया है यहां a का पावर m इंटू a का पावर m, मतलब दोनों सेम सेम दिया है, तो क्या मान लेते हैं इस चीज को, अब हमारा यह फॉर्म दिया है तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में कर सकते हैं ना, ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं है, बेस सेम दिया ना, तो हम क्या करेंगे, x तो 2a प्लस 2a कर देंगे, बेस सेम है ना, तो 2a प्लस 2a, उसके बाद यहां देखो ये बेस सेम है तो इसको भी 2b प्लस 2b कर देंगे, x 2c प्लस 2c, 2c प्लस 2c बाई x 4a, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपको फील होने के लिए इतना कर रहा हूं। ठीक है, ये तो यहीं पे कैंसिल कर देता ना, x 4b इंटू x 4c। ठीक है, तो यहां देखो x 2a प्लस 2a कितना हो गया, 4a, 2b प्लस 2b कितना हो गया, 4b, 2c प्लस 2c कितना हो गया, x 2c by x 4a into x 4b into x 4c। ठीक है, तो देखो x 4a से x 4a कैंसिल हो जाएगा, अगर आप एक और प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो x के पावर 4a, x के पावर 4a बाई x के पावर 4a, ऐसे अगर a के पावर m बाई a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n,
तो फिर आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा, डेट मीन्स कैंसिल हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते, स्टेप और बढ़ जाएगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा। अगर आप और स्टेप आगे जाना हो तो कर लीजिएगा। तो एक्स के पावर फोर ए, एक्स के पावर फोर ए कैंसिल, एक्स के पावर फोर बी, एक्स के पावर फोर बी कैंसिल, एक्स के पावर फोर सी, फोर सी यहाँ पे भी फोर सी होगा जी, फोर सी होगा, फोर सी टू सी प्लस टू सी कितना, फोर सी कैंसिल, कितना आ गया, वन आ गया। इस तरह भी आपका वन आ गया। लेकिन अगर स्टेप और दो तीन स्टेप और बढ़ना चाहते तो बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।